यहाँ पे है सट फ्लैग दे रखा है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उनका अनुपात दे रखा है 6:5:4, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखो आयतन ज्ञात करने के लिए मुझे भुजा की आवश्यकता होगी, भुजा की आवश्यकता होगी तो भुजा देखो यहाँ पे मेरे पास अनुपात में है। सबसे पहले हिंट दे रखा है इसका संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे इसको एक्स मानना पड़ेगा, भुजाओं को 6x 5x और 4x, और यहाँ इसके बराबर करके यहाँ पे निकालना पड़ेगा भुजाओं का मान, ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और ये फाइंड आउट हो जाएगी तो मेरे पास आयतन देखो कैसे निकलता है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना तब जाके आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं मानता हूं ये हो जाएगी 6x, ये हो जाएगी 5x और ये हो जाएगी 4x। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 × LB, 6x × 5x प्लस में 5x × 4x और प्लस में 4x × 6x, और बराबर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 33,300 वर्ग सेमी। देखिए कितना होता है, 2, 6, 5, 30 और ये अक्ष स्क्वायर, 5, 4, 20 और ये अक्ष स्क्वायर, और प्लस 6, 4, 24 और ये अक्ष स्क्वायर, बराबर में कितना है 33,300। देखो 30 और 20 कितने हो गए 50, और 50 और ये हो गए 74, तो ये कितने हो गए 74 अक्ष स्क्वायर, और बराबर में कितना हो गया 33,300, और बट्टे में देखो ये दो इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएंगे। भाग दीजिए इतनी देर में, ये कर लेता हूं, ठीक है, अभी भाग देंगे ना इसमें, तो भाग देने के बाद में देखो कितना आ जाता है, इसमें इसका भाग दे दिया जाता है तो आ जाता है 16,000। देखो 2 × 1 = 2, 1 = 2, 6 = 12, 1 = 2, 6 = 12, और यहाँ पे 1 = 1 ना तो 2, 5, 10 और ये आ गया इतना, और ये आ गया किसके बराबर 74 अक्ष स्क्वायर बराबर। जब यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का मान निकाला जाता है तो 16,650 और बट्टे में कितना आ जाता है 74 आ जाता है। अभी मेरे पास ये क्या आ रहा है, अक्ष स्क्वायर का मान मुझे चाहिएगा, किसका, अक्ष का मान, अक्ष का मान चाहिएगा ना, तो क्या करूंगा सबसे पहले मैं इसमें भाग दूंगा, इसका भाग जाएगा 225 बार, 225 बार इसमें भाग जाएगा, अक्ष का मान निकालूंगा तो आ जाएगा 15, क्योंकि 225 का जो हमारे पास क्या होता है रूट होता है वो कितना होता है 15 होता है, यानी कि मैं सीधा लिख सकता हूं यहां से अक्ष का मान कितना आ जाएगा 15। अक्ष का मान 15 आ गया तो यहाँ पे जो मेरी नई भुजा है वो कितनी हो जाएगी 6 × 15, ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा आपका 4 × 15, तो कितने हो गए ये 90 हो गए क्या, और ये कितने हो गए 75 हो गए क्या, और ये कितने हो गए 15 × 4 हो गए, यानी लंबाई 90 हो गई, ये 75 हो गई और ये ऊंचाई हो गई 60। वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है क्या, तो सेंटीमीटर में है तो ये वैल्यू सेंटीमीटर है। क्वेश्चन मेरा यहीं पे खत्म नहीं होता, क्वेश्चन खत्म होगा कहां पे, जब इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन क्या होता है, L × B × H, तो देखिए एल का मान 90 गुणा बी का मान 75 और गुणा एच का मान 60, गुणा करिए इसको आपस में, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इतना आ जाता है, सीधा लिख देता हूं मैं, और ये वैल्यू मेरी सेंटीमीटर में थी तो ये आ जाता है घन सेंटीमीटर, क्योंकि तो आयतन निकालना है। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे इसको अक्षक्ष माना, ठीक है, 6x 5x और 4x, और इसको बराबर कर दिया मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक अक्ष का मान निकाल लिया, वो अक्ष का मान मैंने रख दिया कहां, यहां पे, तो मेरे पास भुजाएं आ गई, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। उसके बाद मुझे आयतन निकालना था, तो आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H, और साथ में इसमें फॉर्मूले में मान रखा और मल्टीप्लाई किया और आंसर मेरे सामने है। ओके।